गाइस प्रॉब्लम नंबर 44 को देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बच्चे याद नहीं रख पाते ज़्यादातर केसेस में। आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि फॉस्फर ब्रांच, जो फॉस्फर ब्रांच होता है, फॉस्फर ब्रांच एक एलॉय है, ये एलॉय का हम सस्पेंशन वायर बनाते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर फॉस्फर ब्रांच का सस्पेंशन वायर क्यों बनाया जाता, इसकी क्या खास बात है? तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से ये बनाया जाता। देखो, एक तो फॉस्फर ब्रांच जो होता है ना, एक्चुअल में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता, लेट अस सपोज कि आपके पास एक तार है, आपने उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगा दिया, टेंशन फोर्स लगाने से वो ना टूटे, इसका मतलब ये है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पकड़ के खींच रहा हूँ और एकदम टूट जाए तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो जो फॉस्फर ब्रांच का एलॉय है उसका मैंने यूज़ किया है वायर बनाने के लिए। किसको वायर बनाया? सस्पेंशन वायर को। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि सस्पेंशन वायर थोड़े से लोड के वजह से भी नहीं टूटता। अगर मैं फॉस्फर ब्रांच का नहीं बनाऊँगा तो हो सकता है सस्पेंशन वायर थोड़े से लोड से टूट जाए, लेकिन चूंकि ये फॉस्फर ब्रांच एलॉय का बनाया हुआ तो ये नहीं टूटता सस्पेंशन वायर। एक तो प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये रेजिस्टिव है, मतलब इसके अंदर रस्टिंग नहीं लगती। रस्टिंग को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव है, मतलब रस्ट एकदम से नहीं लगती। जब नहीं लगती तो ये अच्छे से और स्मूथली वर्क करता, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। एक चीज़ और है इसके अंदर स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क है, पर यूनिट लेंथ में या पर यूनिट लूप में स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, तो स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट होता है, दिस मेक्स गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। पहला पॉइंट ये हो गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सो दैट इवन थिन फाइबर डज नॉट ब्रेक अंडर द वेट ऑफ द सस्पेंडेड कॉइल, तो ये वाली बात भी आप समझ लेना। और रस्ट रेजिस्टिंग, मतलब इस पर रस्ट भी नहीं लगती। तो होप सो समझ में आ गया होगा, याद करने का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने का भी क्वेश्चन है, दोनों मिक्स टाइप का ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कर लो। थैंक यू।